तो जितना खूबसूरत ये साज है उतनी ही इसकी खूबसूरत आवाज है। सारंगी पर जो है ना वो खूबसूरत सुर से बिखेर रहे थे। हमने देखा कि खावंद बख्श बुगटी साहब ने जिस तरह से खूबसूरती से सुर बिखेरे और क्या खूबसूरत जो है ना वो अंदाज। तो सारंगी एक ऐसा मुनफरिद आला है, हम देखते हैं कि रिवायती आला है, और जो मौसीकी पसंद करते हैं, जिनको मौसीकी से शगफ है, वो उन्हें खासा इस साज को पसंद करते हैं। तो ये जो हमारे साथ फनकार मौजूद हैं, ये इस मौसीकी को जिंदा रखे हुए हैं, इस साज को जिंदा रखे हुए हैं, और मादूम होते हुए जो मौसीकी के आलात हैं उस मौसीकी को अपनी खूबसूरत धुनों में जो है ना वो जिंदा रखते हैं, और हमने उसका जो है ना वो मुजाहरा भी देखा। यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनकी रोजी रोटी है, और ये जिस तरह से खूबसूरती से ये सब कुछ करते हैं, ये दिल से निकलता है और दिल से मुंतकिल होता है। लेकिन जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो कोरोना की वजह से इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है, जहाँ पर हर तबका इस वक्त शदीद मुतासर हो रहा है, वहीं हमारे फ़नकार भी इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, कोई सोशल परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही, तो इन फ़नकारों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वेलकम टू द शो खावंद बख्श पुट्टी साहब। एक तो सबसे पहली बात ये कि आप बहुत खूबसूरत बजाते हैं, और बहुत खूबसूरत जो है ना वो आपने धुने बिखेर दी, सुबह का आपने जो पूरा दिन है ना वो अच्छा कर दिया। कब से आप ये कर रहे हैं, कब से बजा रहे हैं? जी, मैं तकरीबन 20 साल से बजा रहा हूँ और ये थोड़ा बहुत गुजारा करता हूँ। इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, बस उस्तादों से सीखा हुआ हूँ अपने इलाके से, डेरा बुगटी से, और तकरीबन 20 साल से मैं बजा रहा हूँ। सही। और अभी तो मैं यहाँ तो क्वेटा में आपके रहता उस्ताद हूँ, कौन है, शौक वैसे कैसे डेरा पैदा हुआ बुगटी का हूँ आपको सारंगी बजाने का? जी। हमारे इलाके में वहाँ पर तो देहात सिस्टम है, तो वहाँ पर लोग बहुत शौक़ करते हैं, सुनते थे, शौक बजाते थे। उन्हीं लोगों के वजह से मैंने देखा है उन लोगों को, वो बजा रहे हैं, शौक़ कर रहे हैं। फिर मेरा वालद साहब बजाता था हमारे, और वालद साहब के कज़ान है दो तीन, वो बजाते थे, और उस्ताद सच्चू बजाता है, उन्हीं से देखा है, उस्ताद सच्चू से भी सीखा है। सही है। फिर मुझे शौक़ हो गया, अभी तो मेरा तो रोज़गार इसी और से, कौन कौन मेरा से रोज़गार हो साज रहा है। आप बजा लेते हैं? मैं अभी एक कसीदा है बुरदा शरीफ बजाता हूँ, और बहुत सारे धुने बजाता हूँ मैं ठीक है, आपसे सुनेंगे। और कौन कौन जी। से साज आप बजाते हैं सारंगी के अलावा? सारंगी मैं बजाता हूँ, और दंबूरा भी बजाता हूँ, और दंबूरा इसके साथ भी बजता है, जो इसको रिदम देता है, और उससे भी धुने भी निकलते हैं। बस मैं दंबूरा बजाता हूँ, एक ये बजाता हूँ सही, सरोज जबरदस्त। जी। तो खावंद बख्श बुगटी साहब, इससे पहले कि आपसे मजीद बात करें, आपने कहा कि कसीदा बुरदा शरीफ आप बजाते हैं सारंगी पर, तो पहले वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी ठीक है।
खावन बख्श पुट्टी साहब, आपने तो एक तो समय ही बांध दिया और दूसरी बात यह कि दिल नहीं चाह रहा कि आप ये सारंगी को बजाना बंद करें और हम ऐसे ही आप दुने बिखेरते रहें और हम सुनते रहे। मेरे दिल चाह रहे हैं मैं बार बार सुनती ही रहूं। आपने बताया कि ये सिर्फ आपका शौक नहीं है, आपका रोजगार भी है और इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं आप? बस कुछ भी नहीं है। पहले 23 मार्च पे प्रोग्राम आसरा था कि 23 मार्च में प्रोग्राम होगा, तो वो भी नहीं हो गया, कैंसिल हो गया। बस उसके बाद तो हम घर में बैठे हुए हैं, बस कोई रोज़गार नहीं है। सारे जितने फनकार हैं हमसे रابطہ कर रहे हैं, भाई कोई तरीका एक आ रहा है, क्या करें। बस कुछ भी नहीं है। सब जितने बलूचिस्तान के फनकार हैं वो तो पहले से भी बेचारे, ऐसे इतना कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है तो फिर शादियों में ऐसे गुजारा कर रहे थे। अभी तो बिल्कुल ना कोई शादी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई बाजार है, ना कोई स्टूडियो वगैरह, सब चीज़ बंद है। बस अल्लाह पाक हर किसी के गुजारा कर रहा है। बस कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि उनका मदद किया जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है। सही। अच्छा, साथ साथ ये कि आप ये जो मौसीकी के आलात हैं जो अब मादूम होते जा रहे हैं, लोगों को इनके बारे में इतना पता नहीं है, आप इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं इसके लिए? जी, मैं तो अपने बस फेसबुक पेज से ये वीडियो अपने घर में बैठ के बनाता हूँ। पहले भी, अभी तो लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि सारा दिन रात घर में बैठा हुआ फारक बैठे हूँ, बस उसी में बना के अपलोड करता जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ थोड़ा लोग सुने, उनको थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए। तो खावन बख्श पुट्टी साहब, जितना खूबसूरत आप बजाते हैं, तो अगर आप यूट्यूब पे ही इसको अपलोड करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आपकी एक अच्छी एक्टिविटी भी होगी और इस वक्त एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। मैं चाहूँगी कि आप उसको भी यूटिलाइज करें और वहाँ से आपको कुछ अर्निंग भी हो सकती है अगर आप और अच्छा करें। तो ये सिर्फ एक मशवरा है, इसको ज़रूर अपना आप कंसिडर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर इस पर, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। मैं चाह रही हूँ कि आपसे बात कम हो, मैं आपका जो है वो साज ज़्यादा सुनूँ। आप मज़ीद कुछ सुनाना चाहें तो सुनाएं, जैसे आपने हमें वो सुनाई इससे पहले, कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया, इससे पहले ताजदार हरम सुनाई, और मजीद कुछ सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनाइए जी। अभी हमारे सकाफती साज है मस्तौकलिका, समुल मस्तौकलिका, वही सुनाते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में धुने बिखेर रहे थे खावन बख्श पुट्टी साहब, और बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा लाइटर जो है ना वो सारी चीज़ें आप फील कर। जिन लोगों को स्ट्रेस है, जो लोग इस वक्त परेशान हैं, आप सुन सकते हैं सांस को, और मुझे खुद बड़ा रिलीफ मिला है इस वक्त।